Okay guys, so we starting our chapter chemical reaction and equation. So in screen the chapter is chemical reaction and equation, ये जो आपके सामने display हो रहा है. Okay, the name of the chapter is chemical reaction and equation. चलिए आइए देखते हैं पहले chapter को बड़े detail में, बड़े और अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे समझने की. हमारे सामने बच्चों कुछ नाम्स हैं, इन नाम को आप जानिए ये क्या है. सबसे पहले जो fundamental unit है हमारे केमिस्ट्री में, दैट इज एटम. एटम दुनिया में सब कुछ किससे मिलके बना है? एटम से. छोटे छोटे एटम हैं, एटम से मिल करके क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स. जब एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल. एटम और मॉलिक्यूल की प्योरेस्ट फॉर्म जो होती है वो क्या कहलाती है? एलिमेंट्स. कई सारे एलिमेंट को मिला के क्या बनते हैं? कंपाउंड. और जब कंपाउंड ब्रेक होते हैं तो वो क्या बनते हैं? आयन. ये सारा का सारा आई होप आप क्लास नाइन्थ में पढ़ के आए होंगे. ये क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा है कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं और आयन क्या होते हैं. बट फिर भी हम एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड और आयन में बेसिकली डिफरेंस क्या है. उसको जानने के बाद आप चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे. चलिए ये देखिए, कुछ स्क्रीन में कुछ पिक्चर्स आपके सामने दिख रही हैं. ये देखिए, ये स्टोन है, ये एक रॉक है. ओके, इस रॉक में आपके सामने, ये रॉक में जो एटम्स हैं, ये जो एक ही टाइप के एटम हैं, छोटा जो फंडामेंटल पार्टिकल, अनडिविजिबल. डाल्टन ने कहा जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना, तो दुनिया की सारी चीज़ किससे मिलकर के बनी है? एटम से. तो इसके अंदर भी क्या है? एटम्स हैं. ओके, यस ये देखिए चेयर है, चेयर के अंदर भी क्या है? एटम्स हैं. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही टाइप के एटम हैं, मैं कह रहा हूँ एटम्स हैं, कई टाइप के एटम हो सकते हैं. जैसे ये चेयर है तो चेयर में वुड है, वुड के अलग एटम होंगे. सपोज मान लो वुड के एटम वाइट कलर के हैं. ओके, यहाँ पे कुशन लगा हुआ है, कुशन में किससे बना होता है? प्लास्टिक से बना होता है, कपड़े से बना होता है, तो अलग अलग एटम है. ये कुशन के अलग एटम है. मान लो उसमें कुछ और भी डाला हुआ है तो उसके एटम मान लो आप येलो कलर के, तो ये येलो कलर के एटम कुछ हैं. ये देखिए क्या है? स्टीम है. स्टीम, स्टीम में क्या होता है एक्चुअली? H2O, स्टीम, H2O. तो स्टीम में हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम. तो हाइड्रोजन के दो एटम सपोज ये मान लो, और ऑक्सीजन का एक डिफरेंट एटम आप ये मान लो, ये मान लो. तो ऐसे मिला करके ये एटम जब कंबाइन हो गए तो मिलकर के एक यूनिट बन गई, तो H2O क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल समझ में आया बच्चों की नहीं आया बताओ? यस सर. ओके, ये देखो यहाँ पे भी क्या है, ये क्या है यहाँ पे? ये पानी का मॉलिक्यूल है, एक पानी का मॉलिक्यूल. ये भी पानी का मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल, काफ़ी सारे पानी के मॉलिक्यूल हैं. और ये जो पानी के मॉलिक्यूल हैं, हर मॉलिक्यूल अपने आप में क्या है? H2O. मतलब हर मॉलिक्यूल अपने अंदर दो हाइड्रोजन को कंटेन किए हैं और एक ऑक्सीजन को कंटेन किए हुए हैं. तो ये हो गए एटम एंड मॉलिक्यूल. ओके, एटम फंडामेंटल यूनिट है. अब बात करते हैं सब्सटेंस. सब्सटेंस किस टाइप में आपके पास पाए जाते हैं बच्चों? हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने हमें क्या दिखता है? हमारी आंखों के सामने एटम और मॉलिक्यूल नहीं दिखते हैं, हमारी आंखों के सामने हमें दिखते हैं क्या? सब्सटेंस दिखते हैं. सब्सटेंस जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो चीज़ें. सब्सटेंस को हिंदी बोल सकते हैं चीज़ें. कोई चीज़ दिख रही, पानी भी क्या चीज़ है, मोबाइल भी क्या चीज़ है, बटर चीज़ नहीं, कहते हैं ना मेरे पास एक चीज़ है, तो मतलब समथिंग चीज़. तो सब्सटेंस मतलब एनीथिंग, एनीथिंग दैट कंटेन सम स्पेस एंड दैट हैव सम मास इज कॉल्ड सब्सटेंस. ऐसी कोई भी चीज़ जो जिसके पास मास हो और जो स्पेस थोड़ा सा घेरे, जगह घेरे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सब्सटेंस बोलते हैं. तो बच्चों देखिए सब्सटेंस है हमारी लाइफ में. सब्सटेंस हमारे पास दो टाइप के आते हैं, एक या तो एलिमेंटल फॉर्म में मिलेगा या कंपाउंड फॉर्म में मिलेगा. अब आइए समझे एलिमेंटल और कंपाउंड फॉर्म में क्या फ़र्क है. तो बना लीजिए कॉपी में. हमारे ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हमें जो सब्सटेंस मिलेंगे they can have of two types. okay, so substance may be divided in two
आइदर दे आर एलिमेंट, आइदर द थिंग्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स और इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स. बस बच्चों इन दो फॉर्म के अलावा आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी. अब एग्जांपल मैं बात करता हूँ एलिमेंट्स, कैसे एलिमेंट्स में आपके घर में चाबी की, आयरन की वो चाबी रखी हुई आपके घर में, सपोज ये चाबी है, ये की है. ओके अब ये किस की किससे मिलके बनी है, ये की बनी है आयरन से, आयरन. आयरन को ग्रीक में लैटिन सिंबल बोलते हैं फेरम, और वहां से आयरन का जो सिंबल बन के आया दैट इज एफई, एफई. अब जानने की बात ये है कि आयरन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो आयरन एक्चुअली एलिमेंट फॉर्म में है. एलिमेंटल फॉर्म मतलब किसी भी सब्सटेंस की प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म. तो इसके अंदर केवल एक टाइप का एलिमेंट होगा, ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट, वन टाइप एलिमेंट, कौन, आयरन केवल. तो यहां जहां भी देखोगे आपको आयरन ही आयरन मिलेगा, जहां भी देखोगे वहां आपको आयरन ही आयरन मिलेगा. तो मतलब आयरन की के अंदर एक आयरन दूसरे आयरन के साथ अटैच रहता है. तो ये भी आयरन है और ये भी आयरन है. ये क्या है, आयरन का एटम, और ये भी क्या है, आयरन का एटम. तो आयरन का एटम आयरन के एटम से की में अटैच रहता है, और ये मिल करके एलिमेंटल फॉर्म में मतलब प्योर फॉर्म में आयरन की बनाते हैं. ओके अब आप बोलोगे सर ये अटैच किस फोर्स से रहते हैं, तो जब भी बच्चों सेम एलिमेंट होते हैं तो वहां पर बनने वाला जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को बोलते हैं बच्चों हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड. तो बच्चों सेम एलिमेंट है इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड. आया समझ में कि नहीं आया, बताओ. यस सर. ओके यस सर. अब बात करते हैं दूसरा, मैं वाटर की बात कर दूं, वाटर, वाटर ले लो. ओके और क्या ले लो, अमोनिया गैस ले लो NH3, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो. ओके CO2 ले लिया आपने, और भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो, शक्कर ले लो, शुगर, ग्लूकोज, ग्लूकोज शक्कर C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है. अब देखो बच्चों वाटर क्या प्योर फॉर्म में है, क्या वाटर एलिमेंटल फॉर्म में है, नो. ये सब जितने दिख रहे हैं इसमें एक एटम नहीं है, मतलब केवल एक एटम से मिलके नहीं बने. जैसे आप मार्केट से सोना खरीद के लेके आते हो, आपने मान लो सोने का कंगन ले लिया या कोई ब्रेसलेट ले लिया, कोई लॉकेट ले लिया, तो वो जो सोने का लॉकेट है, गोल्ड का जो लॉकेट है, गोल्ड का, उसको कुछ भी देख लो उसमें गोल्ड के लॉकेट में हर एक जगह गोल्ड ही होगा. मान लो अगर आप गोल्ड का एक ब्रेसलेट लेके आए हो हाथ पे पहनने वाला, तो इसमें यहाँ भी गोल्ड, यहाँ भी गोल्ड, गोल्ड 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 एवरीवेयर गोल्ड. वो मिक्स वाली मिलावट, मिलावट वाला लेके आओगे तो मिक्स मिल जाएगा, नकली में मिल जाएगा, है ना. मैं गोल्ड प्योर की बात कर रहा हूँ, तो ये प्योर गोल्ड वाला हो गया. ओके हम लोग तो प्योर गोल्ड ही लेने जाते हैं ना, सब लोग शादी वगैरह में प्योर गोल्ड ही चलता है, जहाँ दुकान में जाकर थोड़ा बोलेंगे मिलावट वाला गोल्ड दे दो, नो, प्योर गोल्ड. हाँ वो लोग, हाँ अब वो कर दे मिलावट तो एक अलग बात है, तो प्योर गोल्ड होता है. तो प्योर गोल्ड में गोल्ड ही गोल्ड है हर जगह, बट क्या करते हैं मिलाने वाले तो मिला देते हैं, तो गोल्ड रहता है ना, तो गोल्ड में बीच बीच में क्या डाल देते हैं, कॉपर. क्या डाल देते हैं, कॉपर. तो समझो ऐसे गोल्ड में बीच बीच में कॉपर, तो मैं ये ब्राउन कलर का कॉपर बना रहा हूँ, ये देखो कॉपर डाल दिया, ये देखो यहाँ कॉपर डाल दिया, यहाँ पे कॉपर डाल दिया, यहाँ पे कॉपर डाल दिया, यहाँ पे कॉपर डाल दिया. तो अब इसके अंदर दो एलिमेंट हो गए, कौन कौन से एलिमेंट हो गए, एक गोल्डन कॉपर, एक हो गया गोल्ड, सिंबल है AU, और एक है कॉपर, सिंबल है CU. तो गोल्ड भी हो गया और कॉपर भी हो गया. अब सुनिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर क्या अब मैं इसको कंपाउंड कहूंगी,
क्योंकि सर इसके अंदर गोल्ड भी है कॉपर भी है। बोलो बच्चों क्या इसको कंपाउंड कहोगे कि नहीं कहोगे? यस सर। नहीं, यस सर, नहीं कहोगे, नहीं कहोगे कंपाउंड, कि कंपाउंड नहीं कहलाएगा भले ही इसके अंदर गोल्ड भी है कॉपर भी है। उसका रीजन है, इसको ऐसे समझो, एक मिनट ऐसे समझो, यहां पे गोल्ड और कॉपर में जो रिएक्शन होगी वो केमिकली रिएक्शन, वो केमिकली एडेड नहीं होंगे। गोल्ड अलग थलग रहेगा और कॉपर अलग थलग रहेगा, वो केमिकली एड नहीं होंगे, मतलब इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, ये केमिकली नॉट एड। तो बेटा ये एक्चुअली ये मिक्सचर है, क्या है ये? मिक्सचर है। एग्जाम्पल के लिए आपके घर में दाल है, सूखी दाल, अरहर की दाल होती ना, उसमें आपने ऊपर से क्या मिला दिया? उसमें आपने ऊपर से मिला दिया चावल, मिला दिया सूखे चावल, तो दाल और चावल, सूखी दाल में खिचड़ी बना लोगे तुम? तो सूखी दाल में आपने चावल मिला दिया तो ये केमिकली तो एडेड नहीं हुए ना, केवल फिजिकली ऊपर से एड दिख रहे हैं ये। बोलो यस और नो। यस सर। तो ये केमिकली एड नहीं है। तो बेटा जब तक ये केमिकली एड नहीं है तब तक ये कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड बनने के लिए केमिकली एड होना जरूरी है, कंपाउंड बनने के लिए केमिकली एड होना जरूरी है, समझ गए? अब कंपाउंड देखो, वाटर। अब वाटर में आप एक बार वाटर बन जाए तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हो। जैसे दाल और चावल में मिला दो सूखे दाल में तो वो तो अलग हो जाएंगे, मगर आप पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बिना स्पेशल मेथड्स अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन होता है, इसको दो लोग घेरे होते हैं। अब आपके मन में आने वाले सवाल, सर ऑक्सीजन को दो लोग ही क्यों घेरते हैं, तीन लोग क्यों नहीं घेरते? तो मैं जवाब दूंगा, बेटा ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है। फिर मे भी आप पूछोगे सर ये वैलेंसी क्या होती है, तो मैं बोलूँगा बेटा लेने की शक्ति या देने की शक्ति दो होती है, वैलेंसी होती है, ठीक है? सुन लिया आपने, बट इसको डिटेल में बात करेंगे। नाइट देखिए, अमोनिया, अमोनिया क्या है? कंपाउंड है NH3, ये देखिए। तो यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी तीन है, इसलिए तीन लोगों के साथ दोस्ती कर रहा है, यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी थ्री है। अब मैं वैलेंसी के बारे में भी डिटेल से बात करूँगा, क्योंकि एकदम बेसिक से केमिस्ट्री को लेके चलेंगे, आपको शुरू से लेके अंत तक समझाएंगे, ओके? तो हमने किसकी बारे में बात कर ली आज? आज हमने बारे में बात कर ली एटम के, एटम, ठीक है ना? तो अब आप बोलोगे सर क्या एटम कभी खुले में एग्जिस्ट करता है? एटम सिंगल एलोन एग्जिस्ट करता है क्या? सर कोई ऐसा एटम है जो खुले में एग्जिस्ट करे बिना बॉन्ड बनाए, ठीक है ना? यस, गोल्ड। गोल्ड में आप चाहे कितना बड़ा भी गोल्ड का कुछ ले आओ, गोल्ड जो होता है ना अकेले रहता, अकेले, यहां भी गोल्ड, 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 मतलब सारे गोल्ड के एटम हैं। तो गोल्ड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एटॉमिक फॉर्म में, बिना किसी के साथ कंबाइन हुए। तो यही इसकी कौन सी फॉर्म है? एलिमेंटल फॉर्म, मतलब गोल्ड का आपको एलिमेंटल फॉर्म मिलेगा। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, यस सर। बहुत, हाँ, एक ही चीज को दो चार तरीके से। अब देखिए अगली बात मैं बोल रहा हूँ, गोल्ड हो गया ये, अब मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बच्चों, हाइड्रोजन का सिंबल है H, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन का पूरा नाम क्या होता है, 1H1, ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास सेंटर में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। आप कहोगे सर क्या क्लाइमेट में हाइड्रोजन अकेला पाया जाता है ऐसे? क्या हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? नो, नहीं करता। आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए आपको हाइड्रोजन आपकी एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलेगा,
क्योंकि हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मतलब हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं रहेगा, दो लोग जोड़े से रहेंगे। सो इसलिए हाइड्रोजन जो एग्जिस्ट करेगा वो H2 की फॉर्म में करेगा। तो H2 की फॉर्म कौन सी फॉर्म हुई बोलो बच्चों, एटॉमिक फॉर्म या मॉलिकुलर फॉर्म? मॉलिक्यूल। जी हाँ, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना के रहता है। अब मैं बोलूंगा हाइड्रोजन की एलिमेंटल फॉर्म क्या है, बोलो। हाइड्रोजन एलिमेंट कैसे मिलेगा आपको क्लाइमेट में? गलत, मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलेगा। अरे भाई प्योर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जुड़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट का मतलब ये नहीं समझ लेना कि एटम का फॉर्म में, एलिमेंट का मतलब होने से है प्योर होने से है। समझ में आया बच्चों? यस सर। एलिमेंट का मतलब प्योर से है, तो हाइड्रोजन की एलिमेंटल फॉर्म उसकी एटॉमिक फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड, सॉरी उसकी मॉलिकुलर फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड H2। समझ में आया? यस सर। क्लियर हुआ? आप क्लाइमेट में ढूंढने जाएंगे क्लोरीन, एक सेकेंड वन पार्ट, चलिए देखिए। अब मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूँ, सीएल। तो क्लोरीन कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं करती है बच्चों, क्लोरीन हमेशा आपको एटमॉस्फेयर में Cl2 की फॉर्म में मिलेगी। तो बताओ बच्चों कौन सा फॉर्म है, एटॉमिक फॉर्म की मॉलिकुलर फॉर्म? मॉलिकुलर फॉर्म है, बिल्कुल सही, मॉलिकुलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म या कंपाउंड फॉर्म? एलिमेंटल फॉर्म, वेरी गुड। अब आप लोग को समझ में आना शुरू हो गया। तो ये जो है क्लोरीन, क्लोरीन जो है एलिमेंटल फॉर्म है, एलिमेंटल इसलिए क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन के साथ प्योर है, तो वो कंपाउंड होता। अगर क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाए HCl, तो देखिए यहाँ पे दो अलग अलग डिफरेंट एटम हैं, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, बताइए कौन सी फॉर्म है, एटॉमिक फॉर्म या मॉलिकुलर फॉर्म? मॉलिकुलर। बिल्कुल गलत जिसने एटॉमिक बोला। दो एटम मिल करके हमेशा मॉलिक्यूल ही बनाते हैं, और मॉलिक्यूल है तभी तो एग्जिस्ट कर रहा है। अकेला ना H एग्जिस्ट करता, अकेला ना Cl एग्जिस्ट करता, HCl मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है। अब बताओ प्योर है, एलिमेंटल है या कंपाउंड फॉर्म है? कंपाउंड। जी कंपाउंड, ये कंपाउंड फॉर्म, कंपाउंड, हाँ ये कंपाउंड फॉर्म है, यही फर्क है भाई, अभी एलिमेंटल फॉर्म नहीं है। आपको HCl का एलिमेंट नहीं मिलेगा, आपको HCl का कंपाउंड मिलेगा, बट हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो एलिमेंटल फॉर्म है क्योंकि बिल्कुल शुद्ध है। क्लोरीन Cl2 बिल्कुल शुद्ध है, ओजोन O3 प्योर शुद्ध है, नाइट्रोजन गैस N2 फॉर्म में मिलेगी आपको एटमॉस्फेयर में, आपको NH3 गैस कंपाउंड फॉर्म में, खैर अभी तो बात कर रहे थे Cl2 हो गई, और कौन सी गैसेस ले लो, फ्लोरीन गैस बच्चों F2 कंपाउंड फॉर्म में मिलेगी, बच्चों आयोडीन गैस है I2 आपको कंपाउंड फॉर्म में मिलेगी, तो यस हाँ आयोडीन समवट गैस भी होती है, हाँ बन सकती है, बट आयोडीन ज़्यादातर आप लोग सॉलिड फॉर्म में लोगे, ठीक है ना, आयोडीन सो आपको कंपाउंड एलिमेंटल फॉर्म में यानी कि आपको मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलेगा। और कौन सी गैस है, O2 भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन गैस, यस ये सारे के सारे देख लो, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल हैं और ये सब के सब एलिमेंट हैं, मतलब ये प्योर हैं, इनके साथ कोई मिलावट नहीं है। बोलो बच्चों समझ में आया? यस। और यही इसके मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये इनके मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं एक आपसे पूछता हूं सवाल की हीलियम, हीलियम जो एग्जिस्ट करती है एटमॉस्फेयर में वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एटॉमिक फॉर्म में, मॉलिकुलर फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में? एटॉमिक। बिल्कुल सही, एटॉमिक फॉर्म में, जिसने बोला एटॉमिक फॉर्म में बिल्कुल सही है। हीलियम का, हीलियम अकेले एग्जिस्ट करती है
सिंगल अकेले। और क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, और 2 एक स्टेबल नंबर है। अब वो क्यों स्टेबल मैं बताऊंगा अभी, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था और उसे एक की ज़रूरत थी, इसलिए वो दूसरे से कंबाइन किया था और बनाया था H2। बट हीलियम के पास इटसेल्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो स्टेबल होता है। इसलिए हीलियम जो एग्जिस्ट करता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एटॉमिक फॉर्म। अब मैं बोलूँगा आपसे हीलियम का मॉलिक्यूल बनाओ, तो जो इसका एटम है वही इसका मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसको किसी से जुड़ने की दरकार नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो जो इसका एटम है वही इसका मॉलिक्यूल है। तो हीलियम एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यही हीलियम के एटॉमिक फॉर्म है, यही हीलियम की मॉलिकुलर फॉर्म। इसका मॉलिक्यूल बनता ही नहीं है, अकेला है। और कंपाउंड में दूसरे कंपाउंड इसका बनेगा ही नहीं है, एलिमेंट फॉर्म है, ये प्योर है, कंपाउंड तो है ही नहीं, ये प्योर है। तो यही इसकी एटॉमिक फॉर्म है, मॉलिक्यूल इसका बनता ही नहीं है, और यही इसकी एलिमेंटल फॉर्म है क्योंकि ये प्योर है।